हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रियो ब्यूटी। आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो गाइज, मैं रियू आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रियो ब्यूटी पे। सो गाइज, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको मिक्स एंड मैच करके बताऊंगी कि हमारे पास कम चूड़ियाँ हैं तो हमको कितनी अच्छी तरीके से मिक्स एंड मैच करके पार्टी में अपनी चूड़ियों पर एकदम फोकस करवा सकते हैं। और लेडीज को चूड़ियों से, किन लेडीज को चूड़ियों से प्यार नहीं होगा। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इस चूड़ियों को बहुत ही सिंपली स्टाइल किया है। सो मैं इतना सिंपल नहीं बताऊंगी आपको, बहुत ही यूनिक डिजाइन बताऊंगी कि किस साड़ी पे कैसे जाना चाहिए। सो गाइज, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेट, उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस चैनल को बिल्कुल ही एकदम शेयर करें इस वीडियो को, ताकि एकदम डैम फाड़ हो जाए। और हाँ, इस तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए हेल्पफुल आने वाली हूँ। सो गाइस, ज्यादा बातें नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट। सो हेलो गाइस, चलो आपको मैं बता रही हूँ कि कम चूड़ियों में हम अपने चूड़ियों को कितने अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं, ताकि इनहेंस कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि हम बहुत सारी चूड़ियाँ ले लेते हैं, सोचते हैं कि किस साड़ी पे कौन सी जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, तो इन सारी बातों को साइड में करते हैं। पहले मेक श्योर आपके पास अच्छे कड़े हों, आप चूड़ियाँ ज़्यादा लेने से बचें और बैंगल्स ज़्यादा लें, ताकि हम अच्छे से उनको मिक्स एंड मैच कर सकें। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये इसके टू पेयर, जैसे कि देखिए, ये इस टाइप के मैंने फोर बैंगल्स लिए थे, जो कि बहुत ही प्रिटी है। ये तो ना ज़्यादा गोल्ड है ना चमकी, जैसे वीडियो आप लेने से बहुत ही ज़्यादा बचे, जो बहुत ही ज़्यादा चमकीले और चटकीले होते हैं कि वाह ये कितना अच्छा लग रहा है। लाइटिंग में हमें बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर आके देखो तो वो बहुत ही ज़्यादा बकवास हो जाता है। सो इस टाइप की बैंगल्स आप जरूर रखें। देखिए कितना प्रिटी है भाई, सी एकदम ही आपकी सिल्क की साड़ी पे तो एकदम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो हम इसमें, और आपके पास जैसे कि इस टाइप की चूड़ी तो मिल जाती है ईजिली, मार्केट में मिल जाती है 16 and around 70 rupees में, जो कि ईजिली आपको इतना पेयर इनफ होगा अपनी चूड़ियों के लिए, दो दो हैंड के लिए। आप सोच रहे हैं इतनी चूड़ियाँ? यस, इतनी ही चूड़ियाँ, क्योंकि मैं इतनी से ही पूरा दोनों हाथ का गेटअप बना लेती हूँ। जैसे कि देखिए, फर्स्ट हैंड का हो गया ये। सो ये कितना प्रिटी है, सिंपली क्यूट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और हमें इसे और भी ज़्यादा अच्छा बनाना है तो इसमें आपको ये इस टाइप के बैंगल्स भी ले लेने चाहिए। जैसे कि मैंने लिया है, इसको इस तरीके से हम मिक्स एंड मैच करते हैं। गाइस सीरियसली, मिक्स एंड मैच करना तो बहुत ही ये हेडेक का काम होता है कि कौन सी साड़ी पे कौन सा जाना चाहिए। सो गाइस, ज़्यादा आप ऐसा चीज़ ना करें, ऐसी ना ले लें कि एक जैसा कलर साड़ी का, एक जैसा कलर है तो एक जैसा चूड़ी भी पहनें, वो बहुत ही गंदा दिखता है, बहुत ही टैकी दिखता है। इसीलिए आप इस तरीके से मिक्स एंड मैच करें। देखिए कितना ब्यूटीफुल पेयर बन गया है, और उससे भी ज़्यादा प्रीटी मैं ऐसे कर सकती हूँ कि आप ऐसा करिए कि दो चूड़ियों का पेयर बना लें और आपको दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा लगता है एक वो सेलेक्ट करके वो डाल लीजिए, कितना बेस्ट हो और बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। और मेरे पास होगा एक ये गिन्नियों वाला, ये सिल्क की साड़ी पे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि इस तरीके से हम इसको यूँ कर सकते हैं, सॉरी इसमें थोड़ा कम आ गया है, बट डोंट वरी। इस तरीके से देखिए, एक ही चूड़ी से, एक ही चीज़ से मैंने आपको कितनी वैरायटी दे दी, कितना वेरिएंट दे दिया कि मतलब इस टाइप से लगा सकते हैं। ये तो हर किसी पे जाएगा, और हमें चूड़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं, इतने महंगे महंगे चूड़ा लो, इससे अच्छा सिंपल है ये ले लीजिए। देखिए कितना ब्यूटीफुल पेयर बन गया है। और इतना सोचिए, इतनी सी चूड़ियाँ ली हमने और इतने से इतना बना लिया। तो आप ज़्यादा चूड़ियों पर इन्वेस्ट ना करें कि ये कलर वो कलर, ज़्यादा कलर का चूड़ी ना लें और बैंगल्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मैं भी ज़्यादा बैंगल्स लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने रख लिया है, ये अराउंड सब पे जाता है। ये एक ऐसा कलर है जो कोई सी भी साड़ी हो वो सब पे जाएगा अराउंड। गोल्डन तो हर किसी पे जाता ही जाता है, क्योंकि गोल्डन तो हर ऐसी कोई सी साड़ी नहीं है जिसपे गोल्डन का काम ना किया हुआ हो, इसीलिए ये पर आप जरूर लें गोल्डन, गोल्डन तो बहुत ही ज़्यादा लें। और मेरे पास एक होगा ये, मेरे पास एक ये होगा ये, सी कितना ब्यूटीफुल पेयर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मेरे नेल्स को इग्नोर करें। और जैसे कि हाँ, और इजीली हम कोई प्लास्टिक वाली नहीं मिलती है चूड़ियाँ, तो हमें ज़रूरी थोड़ी कि हम प्लास्टिक ही लें, हम कांच की भी ले सकते हैं। कांच की चूड़ियाँ कितनी प्रीटी लगती है ये तो सबको पता है। और जैसे कि ये देखिए, मुझे अभी इसको इन्हेंस करना है तो इस तरीके से मैं डाल लूँगी, सिंपल बहुत ही ज़्यादा भर लूँगी, बहुत ही प्रीटी लगता है गाइस, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा।
ऐसे डालने से, क्योंकि मैं ज्यादा ऐसे करके डाल लीजिए ताकि इसकी भी लुकनेस आ जाएगा और इसको भी। आपको एकदम बहुत ज्यादा कुछ तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। और आपने ग्रीन साड़ी पहनी है और यहाँ पे पल्लू ग्रीन है, तो आप यहाँ पे रेड का करिए, बहुत ही ज्यादा अलग लगे, क्योंकि हमारा पल्ला होता है जैसे हम हाथ यूं करते तो ऐसे ही आता है, और अगर आप पे रेड कर लेंगे तो वो बहुत ही, वो आपका चूड़ी भी हट जाएगा, चूड़ी का लुक ही नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं लुक आने वाला है। और जैसे कि, और हाँ, वेलवेट की चूड़ियाँ, वेलवेट की चूड़ियाँ आजकल तो बहुत ही फैशन में है, वेलवेट की चूड़ियाँ ले लीजिए। सी, मेरे पास इस टाइप का कलर है, ये देखिए मैं आपको इसका बना के दिखाती हूँ। आइडिया बहुत है, आप दो आगे लगा लीजिए, दो पीछे लगा लीजिए और बीच में लगा लीजिए, लेकिन वो फैशन गया। वो हमारी मम्मियाँ करती थी कि बस एक यूं कर दिया और एक यूं कर दिया और बीच में एक ऐसे गोल्डन लगा दिया, क्योंकि गोल्डन का काम है। देखिए सी कैसा लग रहा है, ये बिल्कुल भी इसका ओवरऑल लुक बिल्कुल हट गया, इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको यूं करेंगे। सी कितना प्रीटी लग रहा है, और आपको ऐसे नहीं करना है, तो इस टाइप से सिंपल एंड सोबर हमें गर्लिश लुक भी लगेगा और ये थोड़ा एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगता है गाइस। और ये देखिए गोल्डन, मैं कह रही फिर से गोल्डन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे हम, क्योंकि गोल्डन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ये चीज़ मान लीजिए। सी ये उस पर उतना नहीं जा रहा है, लेकिन आप ऐसे इन्वेंट करते रहिए कि किस पे कौन सा कलर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये ऐसे ही आइडिया मिलते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ऐसे एकदम से मैं मेरे बोलने से नहीं होने वाला है, तो इसीलिए। और इस टाइप के आप बैंगल्स ज़्यादा रखिए, मैं कहूँगी, मैं बिल्कुल फिर से कहूँगी कि आप बैंगल्स कलेक्शन अपने पास ज़्यादा रखिए चूड़ियों के अकॉर्डिंग। और जैसे कि ये देखिए, मैं आपको एक दो पिक्चर भी लगा दूंगी कि जो मैंने इन सारी चूड़ियों से बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुड है। ये देखिए सी कितना प्रीटी लग रहा है, और फिर से मैंने ऐसे किया। और ये गाइस बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको इजीली बनाने आ जाएगा, आप धीरे धीरे करोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें करना चाहिए, कौन सी साड़ी पे कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, इस तरीके से। ये कलर भी आ रहा है हमारे हमारी साड़ी हमारे इस, ये कलर भी शो हो रहा है और ये भी, दोनों का लुक बिल्कुल बहुत ही परफेक्टली आ रहा है। सी द मैजिक। इसलिए कहूँगी गाइस, आप बैंगल्स से ज़्यादा, आप चूड़ियों से ज़्यादा बैंगल्स लें। और सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, सो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका कौन सा पेयर जो मैंने अभी बनाया है कौन सा आपको बेस्ट लगा, सो गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, मेक श्योर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना, बिल्कुल भी ना जाए। और भी आपको किस टाइप में वीडियो चाहिए सो प्लीज़ मुझे बताएं। और क्या, बस वीडियो में एकदम मस्ती से इंजॉय करिए और बनाना सीखिए न्यू ट्रिक कि किस तरीके से हम अपने बैंगल्स को अपने घर पे ही ट्राई करिए। मम्मियों की चूड़ियाँ होती है, मम्मी की चूड़ियाँ उठाइए और किसी तरीके से, मैंने भी अपनी मम्मी की चूड़ियों से ही मिक्स एंड मैच कर करके ऐसा चीज़ कर लिया, बस मैं बैंगल ज़्यादा लेती हूँ। ये देखिए सिंपली डेली यूज के ये अराउंड आपको 40-50 में मिल जाएगा। हम इस तरीके से भी चूड़ियों को सिंपली साड़ी पे भी ऐसे डालेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम गुड लगने वाला है। और गाइस बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, सो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी। और हाँ, मैं फिर से कहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आपने लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लड़कियों के लिए जो न्यूली मैरिड है उनको आइडिया हो कि किस तरीके से चूड़ियाँ लें और बैंगल लें ताकि उनके पैसे भी बच जाएँ। कौन फालतू में चूड़ियाँ खरीदें, इसीलिए वो बैंगल में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, इसीलिए आप उन्हें पहले से ही ये वीडियो शेयर कर दें ताकि वो उनके लिए स्मार्ट गेम्स, गाइस स्मार्ट गेम। और हाँ चलो गाइस, मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ गाइस, प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है वीडियो, प्लीज़ ज़रूर एकदम वायरल कर दो एकदम। चलो सो गाइस, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सो बाय।